हे दोस्तों, वेलकम बैक टू द चटपट टॉय टीवी। मेरा नाम है रयान और आज की वीडियो में मैं अनबॉक्स और रिव्यू करने वाला हूँ एक काफ़ी कमाल का क्रिकेट किट। आप में से बहुत सारे लोग मुझे नीचे कमेंट्स में बोल रहे थे कि क्रिकेट किट लाने के लिए, तो दोस्तों फाइनली यहाँ पे मैं क्रिकेट किट एक खरीद चुका हूँ। तो चलो अभी इसको फटाफट से करते हैं अनबॉक्स। दोस्तों इसका बाय लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप चाहे तो वहाँ से जाकर इस क्रिकेट किट को खरीद भी सकते हो। तो आज की वीडियो में देखेंगे इस क्रिकेट किट की क्वालिटी कैसी है और मैं आपको थोड़ा बहुत क्रिकेट भी खेल के बताने वाला हूँ इस किट को यूज़ करके। तो दोस्तों आपको एक प्रोफेशनल किट का वीडियो देखना है तो आपको शायद एक से या दो हफ्ते वेट करना होगा। मैं एक और प्रोफेशनल किट भी खरीदने वाला हूँ, वो भी वीडियो मैं आपको बना के बता दूंगा। तो चलो अभी फिलहाल इसको निकाल लेते हैं यहाँ से बॉक्स में से बाहर। तो दोस्तों ये जो क्रिकेट किट है हमारा जैस्पो की तरफ से आ जाता है। तो दोस्तों इसके यहाँ पे ढेर सारे फीचर्स लिखे गए हैं, जैसे कि इसके अंदर एक हेवी ड्यूटी क्रिकेट बैट देखने को मिलता है और काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट हैंडल ग्रिप भी दी गई है उसके ऊपर। एक इतना बड़ा वाला एक बैग भी देखने को मिलता है ये सारी चीज़ें कैरी करने के लिए। और यहाँ पे बॉक्स के कंटेंट आप पढ़ सकते हो, क्रिकेट बैट मिलता है, पेयर ऑफ बेल्स मिलते हैं, 4 पीसेस स्टम्प्स मिलते हैं, 2 पीसेस स्टैंड्स मिलते हैं, 1 पीसेस क्रिकेट बॉल है, 1 पीस कैरी बैग है। तो गाइस आपको कौन सा वाला साइज़ खरीदना चाहिए ये भी मैं आपको बताऊंगा, तो वीडियो लास्ट तक ज़रूर से देखना और वीडियो पसंद आई तो वीडियो पर ज़रूर से लाइक भी कर देना। तो चलो दोस्तों फटाफट से इसको निकाल लेते हैं यहाँ से बाहर। तो भाई देख सकते हो ये रहा हमारा बैट। भाई साहब काफ़ी ज़्यादा दमदार लग रहा है बैट देखने में, प्लास्टिक का है पर वेट इसका काफ़ी अच्छा लग रहा है मेरे को। और यहाँ पे काफ़ी अच्छा वाला एज भी दिया हुआ है ताकि लॉन्ग शॉट्स हम इस बैट से खेल सकें। तो फिलहाल इसे रख देता हूँ मैं यहाँ पर। और एक T20 बॉल भी मिला है हमें, रबर का बॉल है, सॉफ्ट है, आप चाहे तो इस बैट से टेनिस बॉल से भी खेल सकते हो। दोस्तों ये रहे इसके स्टम्प्स, टोटल 4 स्टम्प्स देखने को मिलते हैं हमें इसके अंदर, देख रहे हो। और ये जो स्टम्प्स है पूरी तरीके से हार्ड प्लास्टिक के बने हुए हैं, काफ़ी अच्छी क्वालिटी के स्टम्प्स हैं, रख देते हैं साइड में। और ये एक स्टम्प को खड़ा करने के लिए एक स्टैंड भी मिला है, ये है बेल। और देख सकते हो इसके अंदर हमें स्टम्प खड़ा करना होता है, ये रहे इसके बेल्स। तो चलो दोस्तों अभी फटाफट से इस क्रिकेट किट को इंस्टॉल कर लेते हैं और थोड़ा बहुत मैं आपको क्रिकेट भी खेल के बताऊंगा, लास्ट में बताऊंगा कि आप क्रिकेट सेट खरीदना चाहिए कि नहीं। तो विकेट्स यहाँ पे लगा देते हैं गाइस फटाफट से। काफी अच्छी क्वालिटी के हैं ये और काफी हार्ड प्लास्टिक से बनाए गए हैं। तो गाइस अभी इस बैट की क्वालिटी के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। देख सकते हो काफ़ी अच्छे से स्टिकरिंग की गई है और यहाँ पे भी लिखा है जैस्पो बोलकर और यहाँ पे लिखा है ब्लास्टर बोलकर। और भाई साहब काफ़ी ज़्यादा हार्ड प्लास्टिक है यार, देख सकते हो यहाँ पे रबर की ग्रिप भी दी गई है, काफ़ी अच्छी ग्रिप चढ़ाई गई है इसके ऊपर ताकि बैट वगैरह अपने हाथ से फिसले वगैरह नहीं। तो इस क्रिकेट सेट के अंदर आप देख सकते हो जो बॉलर वाला साइड होता है यहाँ पे एक ही स्टंप देखने को मिलता है हमें, और यहाँ पे जो बैट्समैन वाला साइड होता है यहाँ पे टोटल 3 स्टंप्स देखने को मिलते हैं। तो चलो अभी स्टार्ट करते हैं क्रिकेट। बहुत दिन हो गए गाइस हम लोग यहाँ पे क्रिकेट खेलने नहीं आए हैं। यहाँ पे देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा हरियाली हो चुकी है यार, यहाँ पे हमारे प्लेयर्स भी रेडी हैं क्रिकेट खेलने के लिए। तो भाई जब से कोरोना स्टार्ट हुआ है हम लोगों ने क्रिकेट ही नहीं खेला यार।
तो गाइस आप लोगों ने देख लिया ना, इस बैट से जो है काफी लॉन्ग लॉन्ग शॉट्स भी हम खेल सकते हैं। तो गाइस इस बैट को देखने के बाद मेरे को ऐसा लगा था कि जब मैं इसे लॉन्ग शॉट्स मारूंगा तो मेरे हाथों में जो है वाइब्रेशंस आएंगे, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। काफ़ी ज़बरदस्त बैट लगा मेरे को ये, और काफ़ी अच्छी क्वालिटी का बना हुआ है। ये ऊपर जो एज बना हुआ है इस बैट के ऊपर, इस एज के कारण ही आपके हाथों में बिल्कुल भी वाइब्रेशंस देखने को नहीं मिलते हैं। आप काफ़ी लॉन्ग लॉन्ग शॉट्स भी इस बैट के साथ मार सकते हो। तो और एक चीज़ इस बैट के अंदर मैंने गौर की है गाइस, इसका जो हैंडल है काफ़ी ज़्यादा कम्फर्टेबल है। जब आप इसके हैंडल के साथ लॉन्ग शॉट्स खेलते हो तो ये जो हैंडल है यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं लगता है। आपको मैं दिखाता हूँ, देख रहे हो आराम से जो है ये बैट टर्न हो रहा है। तो गाइस ये जो क्रिकेट सेट है आप पूरी तरीके से गली क्रिकेट, स्ट्रीट क्रिकेट या फिर आपके घर के पास खेलने के लिए यूज़ कर सकते हो। मेरी तरफ से बिल्कुल हाँ है, ये क्रिकेट सेट आप ज़रूर से ख़रीद सकते हो। लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से जाकर आप चाहे तो इसे खरीद भी सकते हो। तो दोस्तों जहाँ तक बात करूँ मैं इन स्टंप्स की और इन स्टंप्स के स्टैंड्स की, काफ़ी अच्छी क्वालिटी के बने हुए हैं, बिल्कुल भी टूटने फूटने वाली चीज़ नहीं है यार, क्योंकि पूरी तरीके से हार्ड प्लास्टिक की बनी हुई है और इसे बिल्कुल भी मेंटेनेंस वगैरह की जरूरत नहीं पड़ती है। आप चाहे इसे जहाँ पर भी रख लो, चाहे जहाँ पर भी फेंक लो, गाइस कुछ नहीं होने वाला है इस क्रिकेट किट को। तो इस पर्सनली मेरे को ये जो किट है काफी ज्यादा बढ़िया लगी। आपको ये किट कैसी लगी मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बता देना दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको एक क्वेश्चन पूछने वाला हूँ, अपनी इंडियन क्रिकेट टीम में आपका सबसे फेवरेट प्लेयर कौन सा है मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बता देना। तो चलो दोस्तों अभी मैं दे देता हूँ शाउट आउट। दोस्तों आज मैं देने वाला हूँ 10 लोगों को शाउट आउट। तो यहाँ पे सबसे पहला नाम आ जाता है निशु जायसवाल, सूरज पात्रा, मुनसिफ खान, आयुष तिमसिना, भूषण रॉय, रिमी दास, गौरव राय, पंकज कुमार, विकास कुमार, खुशाग्रा शर्मा। थैंक यू दोस्तों इतने अच्छे कमेंट्स करने के लिए। अगर दोस्तों आपको भी चाहिए शॉर्ट आउट तो इस वीडियो पर कर दीजिए लाइक, नीचे कर दीजिए कमेंट, कमेंट करने के बाद आपका नाम भी जरूर से टाइप कर देना दोस्तों, ताकि मैं आपको ही शॉर्ट आउट दे सकूं। नेक्स्ट वाली वीडियो में भी मैं 10 लोगों का नाम सेलेक्ट करूंगा जो भी यहाँ पे जैसे कमेंट करेंगे और इस वीडियो पर लाइक करेंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं पे होती है एंड, मिलता हूं आपसे मैं नेक्स्ट वाली वीडियो में और इस तरह कुछ धमाकेदार प्रोडक्ट्स के साथ। तब तक के लिए बाय दोस्तों।